Everyone, welcome to study panel. This is Devendra Sijala from Kendriya Vidyalaya Rajkot. In today's video, we shall start the last part of the concept circle from the graded worksheet. If you have not watched our part 1, 2, 3, then the link is given in the description box. और अगर देखा जाए तो जो फोर्थ पार्ट है उसको जो है लेवल फोर का पार्ट जो है सबसे डिफिकल्ट माना जाता है और इसके क्वेश्चंस जो है उस लेवल के रहते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे है तो ये आपके लिए बहुत टफ होने वाला है। तो कोशिश करिए कि पहले आप जो है पार्ट 1, 2, 3 देख ले, उसके बाद ही लेवल फोर को अटेम्प्ट करें। और अगर इसके आंसर्स आपको पता है तो आप साथ में मुझे चैट बॉक्स में इसके आंसर्स भी दे सकते हैं। नाउ द कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल। नाउ इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रिकेट ग्राउंड इज 100 मीटर। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ सेंटर हम मान के चलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर डिस्टेंस करेंगे तो हमारा रेडियस हो जाएगा, है ना। एक्चुअली इतना नहीं होगा, इसका डिस्टेंस हम करेंगे तो ग्राउंड का तो इतना ही होगा, ये तो पूरा स्टेडियम हो गया। तो ग्राउंड का डिस्टेंस इतना जब होगा हमारे पास, हम इसको मिटा के दोबारा कर देंगे ताकि जो है क्लियर हो जाए। तो अगर हम ग्राउंड का डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ, ये सेंटर से लेके यहाँ हो गया हमारा कितना है, 100 मीटर होता है। तो उसका क्या करना है, हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है आर इज इक्वल टू, दिया हुआ है 100 मीटर, दिया हुआ है हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। सो डायमीटर इज 2 इंटू रेडियस। सो वैल्यू प्लेस करेंगे 2 इंटू 100 मीटर एंड द करेक्ट आंसर इज 2 1s are 2 एंड विल एड दिस 2 0s, इट इज 200 मीटर इसका जो है डायमीटर हो जाएगा। अगर इसमें देखे तो यहाँ से और एक लाइन अगर यहाँ तक ड्रॉ करेंगे तो ये 100 हो गया और ये वाला दोनों 100 100 हो जाएंगे। इस तरह से जो है इसका आंसर आएगा 200 मीटर। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, यू बॉट अ मॉन्स्टर फार्म विला पिज्जा ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर, देन वॉट इज द डायमीटर ऑफ दैट मॉन्स्टर पिज्जा। यहाँ लापिनोज का पिज्जा दिया हुआ है, देखा जाए तो अब इस पिज्जा का जो रेडियस दिया हुआ है, यानी यहां से अगर स्टार्ट करेंगे सेंटर से यहां तक का बताएंगे तो ये जो है कितना हो जाएगा, हमारे को रेडियस दिया हुआ है तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है डायामीटर। आगे वाले क्वेश्चन में हमने देखा डायामीटर के लिए हमने कैसे यूज किया, सो आर क्या दिया हुआ है हमारे लिए 16 सेंटीमीटर है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, डायामीटर फाइंड आउट करना है। सो डी इज 2 टाइम्स रेडियस, दैट इज 2 इंटू आर, सो 2 इंटू 16 सेंटीमीटर, सो 16 2s are 32 सेंटीमीटर। ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, 32 इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको प्रैक्टिकली देखे तो ये 16 है और यहां से लेके इधर वाला डिस्टेंस, क्योंकि डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर तो पूरा ही होगा यहां से लेके यहां तक का, तो डबल करेंगे 16 प्लस 16 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, हो जाएगा 32। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ डायमीटर ऑफ फ्राइंग पैन इज 20 सेंटीमीटर। अब ये फ्राइंग पैन है, इन्होंने हमें डायमीटर बता दिया, यानी यहां से लेके एक्चुअली ये सेंटर से तो पास नहीं हो रहा है, तो हम ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे कि जो इसके सेंटर से पास हो। तो हम पहले सेंटर बना देंगे, अगर यहाँ इसका सेंटर बनाते हैं तो, है ना, यहाँ से हम इसको पास करेंगे, ये हमने डायमीटर बना दिया पूरा, ये कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नाउ व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर फ्राइंग पैन, हमें क्या बताना है, अब रेडियस बताना है। पहले तो गिवन क्या है, डायमीटर गिवन है कितना है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस दिया है, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमें रेडियस फाइंड आउट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, हाफ ऑफ डायमीटर यूज कर लेंगे। तो हाफ ऑफ डायमीटर कितना होता है, डायमीटर कितना है, यू कैन ऑल्सो आंसर इन द चैट बॉक्स, वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। हाफ ऑफ 20 हो जाएगा, सो हाफ ऑफ 20 कितना होता है, इट इज 10 सेंटीमीटर, सो द करेक्ट आंसर इज 10 सेंटीमीटर। आप यहां हमें रेडियस फाइंड आउट करना था तो ये हो गया हमारा रेडियस 10 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 4। नाउ इन दिस क्वेश्चन काउंट द नंबर ऑफ सर्कल्स इन द फॉलोइंग डिजाइन। नाउ यहां पर हमें डिजाइन दिया गया है और हमें इसके अंदर टोटल कितने सर्कल्स है उसको काउंट करना है, तो हम वन बाय वन काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। पहले जो है ये वाले बड़ा सर्कल लेंगे और उसके अंदर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये सारे जितने भी बड़े सर्कल थे और उनके जो अंदर सर्कल थे वो हमने काउंट कर ली, यहां पर हमारा 12 हो गया, तो ये हो जाएगा 13,
14, 15, this is 16, this is 17. So the number of circles are 17 circles. So this is the correct answer. By reading word to word, draw a circle with रेडियस 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो एक सर्कल बनाओ 3 सेंटीमीटर। कैसे बनाना है, हमें स्केल लेना है 0 to 3, हमें मेजरमेंट करना है कंपास से, और ये एक हमने सर्कल बना लिया रेडियस विथ 3 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हैं, विथ द सेम सेंटर, यानी यही सेंटर को हमें यूज करना है, और सेंटर नहीं लेना है, ये वाला सेंटर ही हम यूज करेंगे। विथ द सेम सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें वापस हमारा कंपास जो है उसको स्केल के ऊपर रखना है, 0 से 4 तक का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, और उसके बाद एक और सर्कल बनाएंगे जिसको हम बड़ा सर्कल बनेगा। ये 3 था तो छोटा हो गया, 4 था उससे बड़ा हो गया, तो ये बड़ा सर्कल बनाया, उसका भी रेडियस हमने बना दिया 4 सेंटीमीटर विद इन दिस सर्कल। नाउ पहला वाला हमने किया 3 सेंटीमीटर का, दूसरा वाला हमने ड्रॉ किया विद द सेम सेंटर 4 सेंटीमीटर विद इन दिस सर्कल। ड्रॉ द थर्ड सर्कल ऑफ रेडियस। एक्चुअली ये विद इन नहीं आएगा, क्योंकि जब रेडियस बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए जब ये रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर हो रहा है और 3 सेंटीमीटर हमारा पहले वाले सर्कल, तो 4 सेंटीमीटर का ऑब्वियसली ज्यादा है, तो वो सर्कल आउटर साइड आएगा, आउटर साइड में काउंट होगा, विद इन नहीं आएगा यहाँ पर। ड्रॉ द थर्ड सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर विद इन दिस सर्कल। हाँ ये करेक्ट है, विद इन आएगा। अब हमें क्या करना है, 2 सेंटीमीटर वाला एक सर्कल है, फिर 0 से लेकर स्टार्ट करना है, और 2 सेंटीमीटर तक का हमारा कंपास का मेजरमेंट हम करेंगे, और फिर वहां हम एक और छोटा सा सर्कल बना दिए, और ये रेडियस हो गया। तो ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर वाला, ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर वाला, और ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर वाला। आई होप दैट हमारी सर्कल की सीरीज जो है वो आपको पसंद आई होगी, पूरा जो कंसेप्ट हमने कवर किया है। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप श्योरली हमें जो है चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू।